इंद्री के शहीद ऊधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में उस वक्त सनसनी मच गई जब बीते दिन एक प्रोफेसर ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं प्रोफेसर की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, ये अभी हमारे को कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि भगत सिंह जी का ऊधम सिंह जी का जो कॉलेज इंद्रगढ़ रोड पे है, यहाँ पे एक प्रोफेसर ने हैंगिंग कर ली है। और उस सूचना पे जब हम यहाँ आए, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया, तो यहाँ पाया कि ये विज्ञान संकाय है ऊधम सिंह कॉलेज में। यहाँ पे एक जो प्रोफेसर हैं, अमृत लाल जी उनका नाम था, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। सीन ऑफ क्राइम टीम ने विजिट कर लिया है और डेड बॉडी को अभी मॉर्चरी में रखवाया जा रहा है। क्या नाम बताया जा रहा है? अमृत लाल। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फिलहाल तो कुरुक्षेत्रा में रह रहे थे, बट कैथल के रहने वाले हैं। तो कोई सुसाइड नोट? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं है फिलहाल। कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चल पाएगा। तो किस समय की घटना है सर? ये लगभग 3:30 के आसपास किया है जो घटना है, और उसके बाद सूचना के आधार पे जैसे ही हम आए हैं, फिर उसके बाद सारी प्रोसीडिंग। किस चीज़ के प्रोफेसर थे? इंग्लिश के प्रोफेसर। कितने सालों से यहाँ कार्य कर रहे? 2.5-3 साल से। बता बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से कुछ परेशान थे वो? सर, उसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कह पाऊंगा। जानकारी के मुताबिक शहीद ऊधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटकी माजरी में करीब 42 वर्षीय इंग्लिश के प्रोफेसर अमृतलाल हर रोजाना की तरह महाविद्यालय में पहुंचे थे। रूटीन में कक्षा लगाने के बाद अमृतलाल को महाविद्यालय के कमरे में फांसी पर लटका देखा गया। बताया जा रहा है कि अमृतलाल तनाव में चल रहा था और वो तनाव की दवा भी ले रहा था, जो कुरुक्षेत्र में रहते थे और अन्य टीचरों के साथ कॉलेज जाता था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के असली कारणों का पता चल पाएगा। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।